यह है विशाल ब्रह्मांड और इस विशाल ब्रह्मांड में हम बात करने जा रहे हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र एक स्थलीय ग्रह के रूप में वर्गीकृत है और सामान आकार, गुरुत्वाकर्षण और संरचना के कारण कभी कभी उसे पृथ्वी का बहन ग्रह भी कहा जाता है। शुक्र आकार और दूरी दोनों में पृथ्वी के निकटतम है, हालांकि अन्य मामलों में यह पृथ्वी से एकदम अलग नजर आता है। शुक्र सल्फ्यूरिक एसिड युक्त अत्यधिक परावर्तक बादलों की एक अपारदर्शी परत से ढका हुआ है, जिसने इसकी सतह को दृश्य प्रकाश में अंतरिक्ष से निहारने से बचा रखा है। इसका वायुमंडलीय 4 स्थलीय ग्रहों में संघनत्व है और अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड से बना हुआ है। ग्रह की सतह पर वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी की तुलना में 92 गुना है। 735,000 लगभग 465 डिग्री सेल्सियस के औसत सतही तापमान के साथ शुक्र और मंडल में अब तक का सबसे तप्त ग्रह है। कार्बन और चट्टानों को सतही भू आकृति में वापस जकड़ने के लिए यहाँ कोई कार्बन चक्र मौजूद नहीं है और ना ही जीव द्रव्य को इसमें अवशोषित करने के लिए कोई कार्बनिक जीवन यहाँ नजर आता है। शुक्र पर अतीत में महासागर हो सकते हैं, लेकिन अनवरत ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण बढ़ते तापमान के साथ वह वाष्पीकृत हो गए होंगे। पानी की अधिकांश संभावना प्रकाश विनियोजित रही होने की व ग्रही चुंबकीय क्षेत्र के अभाव की वजह से मुक्त हाइड्रोजन और वायु द्वारा ग्रहों के बीच अंतरिक्ष में बहा दी गई है। शुक्र की भूमि बिखड़े शिलाखंडों का एक सूखा मरुधान है और समय समय पर ज्वालामुखीकरण द्वारा तरोताजा की हुई है। 2020 में हुए दूरदर्शी शोध में इसके वायुमंडल में फॉस्फीन गैस के होने के प्रमाण मिले हैं, जिससे शुक्र पर जीवन की संभावना को पुनः परिकल्पित किया जा सकता है। शुक्र सूर्य से दूसरा ग्रह है और प्रत्येक 224 पृथ्वी दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है। ग्रह का नामांकन प्रेम और सौंदर्य की रोमन देवी पर हुआ है। चंद्रमा के बाद यह रात्रि आकाश में सबसे चमकीला प्राकृतिक वस्तु है। इसका आभासी परिमाण -4.6 के स्तर तक पहुंच चुका है और यह छाया डालने के लिए पर्याप्त उज्ज्वलता है। क्योंकि शुक्र एक अवर ग्रह है, इसलिए पृथ्वी से देखने पर यह कभी सूर्य से दूर नजर नहीं आता। इसका प्रस्कोण 47.8 डिग्री के अधिकतम तक पहुंच चुका है। सूर्य उदय से पूर्व या सूर्यास्त के बाद केवल थोड़ी देर के लिए ही अपनी अधिकतम चमक पर पहुंचता है। 20वीं सदी में ग्रही विज्ञान द्वारा कुछ सतही रहस्यों को उजागर करने तक शुक्र की सतह अटकलों का विषय थी। अंततः इसका 1990-91 में मैगलन परियोजना द्वारा विस्तार में मापन किया गया। यहाँ की भूमि विस्तृत ज्वालामुखीकरण के कारण प्रमाण पेश करती है। शुक्र की सतह का करीबन 80% हिस्सा चिकने और ज्वालामुखी मैदानों से आच्छादित है, जिनमें से 70% सलवटी चोटीदार मैदाने व 10% चिकनी या लोहदार मैदानों से बना है। 2 उच्च महाद्वीप इनकी सतही क्षेत्र के शेष को संवारता है, जिसमें से एक ग्रह के उत्तरी गोलार्ध और अन्य भूमध्य रेखा के बस दक्षिण में स्थित है। उत्तरी महाद्वीप को बेबीलोन की प्यार की देवी इश्तार के नाम पर इश्तार टेरा कहा गया है और आकार तकरीबन ऑस्ट्रेलिया जितना है। शुक्र का सर्वोत्तम पर्वत मैक्सवेल मोटेस इश्तारा टेश है। इसका शिखर शुक्र की औसत सतही उत्सान से 11 किलोमीटर ऊपर है। दक्षिणी महाद्वीप एफ्रोटाइट टेरा ग्रीक की प्यार की देवी के नाम पर है और लगभग दक्षिण अमेरिका के आकार का महाद्वीप है। दरारों और भ्रंशों के संजाल ने इस अक्षेत्र के अधिकांश भाग को घेरा हुआ है। शुक्र पर समूचे हजार भर ब्रह्मांड क्रेटर सतह भर में समान रूप से वितरित रहते हैं। पृथ्वी और चंद्रमा जैसे अन्य क्रेटर युक्त निकायों पर क्रेटर गिराट की आकार भी दिखाई देती है। शुक्र की सतह पर आभासी परिक्रमण भी दिखाई देता है। शुक्र के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका का अनुवेक्षण भी प्रक्षेपण स्तर पर ही मैनियर 1 यान को खोने के साथ बुरे हाल में शुरू हुए था। पहला रोबोटिक अंतरिक्ष यान मिशन 12 फरवरी 1961 को चेंद्रा 1 यान के प्रक्षेपण के साथ आरंभ हुआ। सोवियत वेनरा कार्यक्रम अंतर्गत यह पहला यान था। वेनरा 1 ने मिशन के 7वें दिन संपर्क को खो दिया, तब वह पृथ्वी से 20 लाख किलोमीटर की दूरी पर था। शुक्र की सतह प्रभावी ढंग से समतापीय है। यह न सिर्फ दिन और रात के बीच बल्कि भूमध्य रेखा और ध्रुवों के बीच भी स्थिर रहती है।
ग्रह का अल्प अक्षीक्षण झुकाव कम से कम 3 डिग्री तुलना के लिए पृथ्वी का 23 डिग्री भी है। तापमान में उल्लेखनीय भिन्नता केवल ऊंचाई के साथ मिलती है। 1995 में मैगलन जांच ने उच्चतम पर्वत शिखर के शीर्ष पर एक अत्यधिक प्रतिबिंब पदार्थ का चित्रण किया जो स्थलीय बर्फ के साथ एक मजबूत समानता प्रदान करता था। शुक्र के बाद पृथ्वी बल के बादलों की तरह ही बिजली पैदा करने में सक्षम है। बिजली की मौजूदगी विवादित रही है। जब से सोवियत वेनरा प्रोब द्वारा प्रथम संदेशपात बोछार का पता लगाया गया था 2006-07 में वीनस एक्सप्रेस ने स्पष्ट किया कि मोर तरंगों का शुक्र ग्रह पर पता लगाया गया है जो बिजली का चिन्हक है। उनकी आंतरिक उपस्थिति मौसम गतिविधि से जुड़े एक पैटर्न को इंगित करता है। 2011 में वीनस एक्सप्रेस प्रोब द्वारा एक अन्य खोज की गई और वह है शुक्र के वातावरण की ऊंचाई में एक ओजोन परत मौजूद पाई गई है। ऐसी ही अमेजिंग स्ट्रेंज फैक्ट को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।